आज एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इनफैक्ट ये कामयाबी कल रात को मिली और पुलिस ने जो है वो दो एचएम में जो शामिल हुए थे, दो नौजवान जो रिसेंटली जो है वो मिलिटेंसी ज्वाइन कर गए थे, जिनमें एक का नाम जो है वो उस्मान कादिर और दूसरे का नाम जो है वो यासर रसूल बताया गया है। एक टंडर का रहने वाला है और एक सोंदर दक्षिण का रहने वाला है। ये लोग हालांकि 2018 में भी जो है वो पकड़े गए थे मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उस वक्त की पुलिस ने किन वजूहात और किन हालात की वजह से जो है इनको छोड़ा हुआ था, अब हम उस पर बहस नहीं करेंगे। लेकिन जो ये पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की है, इसमें ये दो जो न्यूली रिक्रूटेड मिलिटेंट थे वो पकड़े गए हैं और इनसे जो है वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी जो है वो पुलिस ने पकड़ा है। तो जो DIG डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज उदय भास्कर बिल्ला साहब है, उन्होंने आज जो है वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी, जिसमें यहाँ पर जो 9 सेक्टर के ब्रिगेडियर थे वो शामिल थे, SSP किश्तवाड़ शामिल थे, एडिशनल SP किश्तवाड़ शामिल थे, CO जो 26 RR थे, 17 RR के जो है ऑफिशियल्स थे वो थे, 11 RR के ऑफिशियल्स थे। कुल मिलाकर ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें CRPF ने भी जो है वो अपना योगदान दिया और जो DIG है उन्होंने क्लियर मैसेज जो है वो लोगों को दिया है कि वो जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज से जो है वो बाज रहे। और ख़ास तौर पर मैं अब यहाँ पर माँ बाप के रोल को जो है वो उजागर करना चाहूँगा, ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखें कि उनके बच्चे जो है वो किस एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं। या तो यहाँ पर ड्रग्स का बोलबाला है, और अगर ये मिलिटेंसी जो है ये एक बहुत ही जो है वो एक डेंजरस चीज़ है जिससे जो है वो कई इंसानी जाने और यहाँ का जो माहौल है उसको जो है वो जख्म पहुँच सकती है। हमने देखा पहले भी किस तरह की यहाँ पर वारदातें हुई जिसमें टारगेट किलिंग्स भी जो है वो की गई, उसके बाद किश्तवाड़ में कैसे हालात रहे। मैं चाहूँगा कि जो माँ बाप है वो अपना रोल जो है वो अदा करे, इस तरह के जो है वो अगर उनको लगता है कि उनके बच्चों की इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ है उनको काउंसलिंग की जा सकती है, इसमें जो है वो पुलिस और जो सीनियर लोग हैं उनको भी जो है वो इन्वॉल्व किया जा सकता है। जो ये दो जो न्यूली रिक्रूटेड मिलिटेंट जो पकड़े गए, जो उस्मान कादिर और यासर हैं, इसके लिए जो है वो काफ़ी कोशिशें की गई। इसमें जो है लोकल जो दक्षिण और पतिमाल के लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी साथ दिया, और पुलिस और जो आर्मी है और जो CRPF की टीम इस ऑपरेशन में लगी थी उनको जो है वो इनपुट्स दिए और काफ़ी मदद की, जिसके बाद जो है ये दो नौजवान जो है वो पकड़े गए। अभी भी एक नौजवान के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी जो है वो तलाश जारी है, वो अभी तक उसकी क्या प्रोग्रेस है वो भी जो है वो अभी पुलिस जो है वो चुप्पी इस पे साधी हुई है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हो गई है। उसमें कुछ और लोग भी जो है वो पकड़े गए हैं जो OGWs बताए जाते हैं, अभी तक पुलिस ने भी उसके बारे में जो है वो कुछ जानकारी नहीं दी है, क्योंकि उनसे पूछताछ जारी है और कोशिश की जा रही है कि जो ये नौजवान लोग हैं इनको जो लोग रेडिकलाइज करते हैं और मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए उकसाते हैं उनकी पहचान जो है वो की जा रही है। आप देखिए इस वीडियो को और सुनिए कि जो DIG डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज उदय भास्कर बिल्ला, उन्होंने जो है वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको जो ये दो अरेस्ट हुए हैं HM के मिलिटेंट्स इसको लेकर क्या कहा। And they were of type C categorized militants. So the thing is like this: on the intervening night of 5th and 6th August, we got the news that two youth were missing, and probably they were involved in some militancy activities, and they would be joining. So upon that, the joint teams of police, army, and paramilitary forces, we laid knockers. And upon the receiving of technical inputs, and the entire team worked out, and we have apprehended them on 7th. So yesterday night 8th raat ko hum 11:30 baje ko humne isko apprehend kiya. So upon the revelation and interrogation of the people, we found some of the materials and some of the arms and ammunition. So they were like this: a pistol and magazine and UBGL thrower and other related material. So it is a great success for the entire team, and I congratulate them. And not only that, the youth were involving in this kind of activities, and they are getting the support system from somewhere else, and we are warning everyone, the youth also, that they should not indulge in such kind of activities,
or they should not be get motivated by any means to join the militancy. So once again, it is a great success for the entire team, police, army, and the paramilitary forces who are posted over here. So we have averted the big major attack that could have happened anywhere else in this locality. Thank you so much. Sir, these youths have also joined in 2019. At that time, police had given them a slip. And had the recruiters been identified, what actions are you going to initiate against those people? See, we are having a lot of inputs, but because of the investigation was good, but because of the lack of evidentiary values that time, they came out, and again they were joining, and this time with a lot of material and evidence we got them, and hopefully they won't do it again and they won't come out also. Sir, what about the longest surviving militant, Jahangir Riaz? They are still active and are radicalizing the youth, particularly through social media. Yes, they are under our monitor system, and hopefully we will catch them very soon. Thank you. माइक लगाओ, माइक को आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।